और ये इतना तेज फायर भी मारता है ना कि यहाँ से वो इंडिकेटर तक जाता है। तो सक्कत स्मूथ इदे इदु लो एंड अल्ली मुंदे मुंदे हिडकोळ्ळि कै अदु लागे बरल्ल निमगे लो एंड अल्ली हां ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದು तो ये निधि की गाड़ी है एकदम मस्त है यार ये ऑस्टिन रेसिन। अभी टाइम है 4:42 और सुना भी है मैंने कि बहुत स्मूथ है गाड़ी ये करके और वाकई में बहुत स्मूथ है गाड़ी है। एसी प्रोजेक्ट को लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये गाड़ी और इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये ऑटो फ्लिपर भी है इसमें और क्विक शिफ्टर भी है तो मुझे भी ऑटो फ्लिपर एक्टिवेट करवानी है लेकिन ये बहुत सही है गाड़ी। जब से हम मिले थे मैं बोल रहा था निधि को एक बार वीडियो बनाएंगे इसका करके तो एक बार दिखा देता हूँ इसमें ऑस्टिन रेसिन। मुझे वो क्लच पकड़ पकड़ के वो थोड़ा आदत है आदत से मजबूर है अभी। तो इसमें देखो ये जो ऑस्टिन रेसिंग है इसमें तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है जो ये एग्जॉस्ट है ना तो यहाँ पे ही आपको वो पीछे का फुटपेक्स मिलता है और ये इतना तेज़ फायर भी मारता है ना कि यहाँ से वो इंडिकेटर तक जाता है। तो देखो इंडिकेटर भी थोड़ा सा जला है लेकिन बहुत सही है। इसीलिए धीरज के गाड़ी में जो ऑस्टिन रेसिंग है उसको थोड़ा नीचे डाला है उन्होंने क्योंकि वो थोड़ा यहाँ से थोड़ा नीचे आता है और वहाँ पे भी नहीं मारता, मतलब मारता है लेकिन कम मारता है। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो वो रेसिंग जो एग्जॉस्ट का ये ओपनिंग है ये डायरेक्टली यहाँ तक फायर मारता है तो लेकिन मस्त है एग्जॉस्ट का नोट एकदम। मैं एक बार नोट सुना देता हूँ। अच्छा पहले न्यूट्रल करना होता है भाई। तो एक बार नोट सुना देता हूँ। देखो इसमें आइडल में भी बेस थोड़ा ज़्यादा है एसी प्रोजेक्ट से थोड़ा ज़्यादा है इसका बेस आइडल में और एसी प्रोजेक्ट अपना जो है वो देखो यहाँ तक डायरेक्टली मारता है वो तो ये थोड़ा सा अभी जल गया है इंडिकेटर। प्रॉबेबली वो निकालेंगे, वो बहुत लॉन्ग राइड करते हैं जैसे केरला तमिलनाडु हो गया वैसे करते रहते हैं तो उनको इसका ज़रूरत पड़ता है कहीं अगर बारिश वारिश हो गई तो सब पीछे बैक को आ जाएगा। लेकिन बहुत सही गाड़ी है यार और मैंने सुना था कि धीरज बता रहे थे कि जो 18 से बाद आया गाड़ी 1920 वगैरह उसमें 10 RR का इंजन है करके, जो 10R है उसमें भी 10 RR का इंजन है तो ऐसा सुना था, मतलब अभी बता रहे थे वो। इसमें क्विक शिफ्टर मस्त काम करता है, देखो कितना स्मूथ है भाई। उतना तेज़ वेज सब नहीं चलाते, हम नॉर्मल जाते हैं लेकिन ऑटो फ्लिपर भी एक बार देखना पड़ेगा। डाउन शिफ्ट देखो मैं क्लच नहीं पकड़ा, थर्ड से सेकंड हुआ वो, अभी क्लच नहीं पकड़ा वैसे थर्ड किया वो क्विक शिफ्टर और विदाउट क्लच फोर्थ, अभी फोर्थ से वापस थर्ड। देखो एकदम से रोक देता है, मतलब जब स्पीड जाते हैं ना हम लोग, मतलब मैं नहीं नॉर्मली जब स्पीड जाते हैं तो बहुत हेल्प करता ही है, नहीं तो वो क्लच पकड़ के फिर बाद में नेक्स्ट गियर में शिफ्ट करने का या डाउन शिफ्ट करना थोड़ा टाइम होता है वो, तो वो टाइम कम करने के लिए क्विक शिफ्टर और ऑटो फ्लिपर देते हैं तो बहुत मस्त काम करता है। मतलब उतना ही पता था मुझे तो मैं सोचा आप लोगों से एक बार शेयर कर लूँ मैं, तो बहुत सही है। बाकी सब तो सिमिलर ही है लेकिन ये
हमारे गाड़ी से भी थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है इसका इंजन जो है ये, तो बहुत सही सही तो बहुत एकदम से मस्त दिख रहा है। अरे भाई मैं स्लो जाएगा। अच्छा तो इसका जो हम लोग आइडल में रहता है गाड़ी तब हमारा थोड़ा हिकअप्स लेता है, अभी भी थोड़ा थोड़ा लेता है वो, लेकिन प्रॉबेबली उन्होंने कुछ करवाया होगा उससे गाड़ी से, तो ये बहुत स्मूथ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, हेवी स्मूथ इधर ब्रो इतो। हाँ ಮತ್ತೆ ಅದೇನದು ಐಡಲ್ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅದು ಎಸ್ ಯು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ, ಹಾಂ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ, ಸಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಇದು ಲೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಲ್ಯಾಗೇ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಹ್ಞೂ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಕಲಾಯಿತು ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೋಪ್ರೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ 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 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ, ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಾಲ ಹಂಗೆ ಮುಖದ ಥರ ಬಂದರೆ